रायबरेली के बछरावा में भगवान भरोसे गौशालाएं तड़प तड़प कर मर रही हैं। गौवंश नाले में फेंके जा रहे गौवंशों के शव। सिद्धार्थनगर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का प्रथम आगमन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अलीगढ़ में जनगण मन पर मुफ्ती का बेतुका बयान, कहा जनगण मन गाना हराम है। सुल्तानपुर में वन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, जर्जर पेड़ लखनऊ बलिया हाईवे पर गिरा, गाड़ियों पर गिरा है पेड़, चार लोग हुए घायल। मुरादाबाद में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से जूझ रही पीतल नगरी, अधिकारियों ने व्यापारियों संग मुलाकात कर किया सर्वे। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। ताजनगरी आगरा में स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी को ईदगाह मस्जिद में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान भी गाया, जिसके बाद शहर मुफ्ती उमैर ने चेयरमैन को फोन कर कहा कि जामा मस्जिद बेहूरमती ना कीजिए, वहां जो जनगण मन हुआ है वो हराम का काम हुआ है, गुनाहे कबीरा अल्लाह के कहर को दावत न दीजिए। अब इस बयान को लेकर आगरा शहर के हिंदूवादी संगठनों ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आगरा के मंटोला थाने में जाकर शहर मुफ्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। हमने आज तहरीर दी है थाने में और हमने मांग की है कि इसमें मुकदमा जल्दी से जल्दी किया जाए। जो शहर मुफ्ती हैं उन्हें तिरंगा को एक गाली दी है, यानी हराम कहा है। हमारा सोचना यह है कि हमें कितना उसका दुख हुआ है, यानी हमारे तिरंगा को गाली दी है उन्होंने। तिरंगा हमारे भारत की शान है, हिंदुस्तान की शान है, यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे ही भारत में रह रहे हैं, हमारी ज़मीन पर रह रहे हैं, हमारी तिरंगा को गाली दे रहे हैं जी। हम काफ़ी समय से उनकी बदतमीजी सहते आ रहे हैं लेकिन आगे से नहीं सहेंगे। ये तहरीर दी गई है जिस तरह भारत की सरजमी पे एक बहुत बड़ा कृत्य हुआ है, यहाँ के एक शहर मुफ्ती है जो केवल यहाँ धर्म के ठेकेदार है, उन्होंने कहा है कि यहाँ तिरंगा और बंदे मातरम के उद्घोष नहीं होंगे, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं भारत की सरजमी है और यहाँ कई लोगों ने इस तिरंगे के लिए शहीदी दी है, और अगर इस तरह के कृत्य उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि भारत छोड़ के चले जाए, कि भारत हिंदुस्तान की भूमि और यहाँ हम लोग तिरंगा भी फहराएंगे, बंदे मातरम भी गाएंगे और जनगण। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान और आशीर्वाद यात्रा पर विवादित बयान दिया है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे पर बोलते हुए कहा कि इस तरह के कब्जों को वे सही नहीं मान रहे हैं, ये उनका अपना मामला है। सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा कि ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने, जब से इनकी सरकार आई है तब से किसान और बच्चे मर रहे हैं। वही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये आशीर्वाद मात्रा में खुलूस नहीं है, क्या काम करा है इस जब से ये हुए हैं, कौन से पब्लिक को राहत पहुंचाई है, किसान 8 महीने से जंगल में पड़ा है जी, उसके बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं और दुनिया भर की मुसीबत पे हर मुसीबत में उठा रहे हैं, तो क्या ये आशीर्वाद है? अरे आशीर्वाद जब करते तो उनको उनके लिए ये काला कानून बनाया जाता है, इसको हटा देते तो हम समझते हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं भाई, आपका एक आशीर्वाद है। ये तो सब ये सब धंधे और जितनी भी ये चाले हैं ये सब कांग्रेस वो है आगे आने वाले। रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, बीजेपी जिलाध्यक्ष रामदेव पाल, बछरावा विधायक राम नरेश रावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जनपद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जनपद में प्रथम आगमन पर जिले के बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। वित्त राज्य मंत्री के स्वागत में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष गोविंद माधव त्रिपाठी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद के विभिन्न चौराहों पर फूलमालाओं के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का स्वागत किया गया।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक कल्चर को बदलना चाहते हैं। इस प्रकार से विपक्ष ने हंगामा किया और प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष भी किया कि आज लगता है कि देश में पहली बार 27 मंत्री पिछड़े वर्ग के बनाए गए, 20 मंत्री दलित और एसटी वर्ग के बनाए गए, 11 महिला मंत्री पहली बार बनाई गई, उनके कहीं ना कहीं पर्चे से विपक्ष घबरा गया है। इसलिए भी जन आशीर्वाद यात्रा निकला कि मंत्री स्वयं जाकर जनता के बीच में अपना परिचय दे, उनका आशीर्वाद। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का प्रथम आगमन हुआ, जिसके बाद मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। सड़कों पर जगह जगह फूलों की मालाएं पहनाई गई, वहीं बंधन हाल में स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के खादराबाद के पास 11 अगस्त को बाइक और बुलेरो की टक्कर में परिवार के मुखिया रामनिवास जाटव सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बात की जानकारी मिलने पर जनक्रांति एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से उनके गांव उमरा में जाकर मुलाकात की। बता दें कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इस स्थिति को देखते हुए जनक्रांति एकता मंच ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी गुन्नौर को सौंपा और पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद, आवास, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही। इस मौके पर समाज सेवक नवनीत गांधी सहित कई लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ में जिला पंचायत की नवगठित सदस्यों की बोर्ड मीटिंग पंचायत परिसर के सभागार में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने की। बोर्ड मीटिंग में विजय सिंह के साथ उनके पति और ब्रजपांत क्षेत्र के भाजपा उपाध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान कई पंचायत सदस्यों ने अन्य प्रस्तावों के अलावा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव सामूहिक रूप से दिया, जो बहुमत से पास हो गया। बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए अन्य प्रस्तावों में मिनी एयरपोर्ट का नाम मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने की भी मांग की गई। कल बोर्ड की मीटिंग में हमारे 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें से अलीगढ़ का नाम हरगढ़ रखने पर सभी ने सहमति जताई और पास भी हुआ। दूसरा नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए, इसी में सब सहमत हैं। जहाँ तक सब सदन में सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और भी जो मुख्य लोग थे, सबने सहमति अपनी जताई है। आगे की क्या कार्रवाई? आगे शासन और माननीय योगी जी से यही प्रार्थना है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जहां एक ओर गौवंश और गौवंशों के संरक्षण की बात की जाती है, वहीं जिले के प्रशासन ने गौवंशों के संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण तो करा दिया, लेकिन गौशालाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि बेजुबान गौवंश भूख, प्यास और इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश है कि गौवंश की मौत पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। मामला बचरावा क्षेत्र के अंतर्गत गजियापुर में बनी गौशाला का बताया जा रहा है, जहां गौवंशों की मौत पर उनके शवों को छिपाने के लिए नालों में फेंक दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि बचरावा के विधायक बीजेपी से राम नरेश शेरावत है। रामपुर के डिबडिबा गांव में प्रधान और उसके भतीजों की गुंडई का मामला सामने आया है, जहां मौजूदा प्रधान के भतीजों ने पूर्व प्रधान को सरेराह जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लालीपुर गांव में मृतक प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेखपाल अवैध रूप से वसूली कर रहा है। कोई गरीब व्यक्ति अगर कागजात बनवाने आता है तो घूसखोर लेखपाल पैसे की मांग करता है। लेखपाल की घूसखोरी का वीडियो भी सामने आया है। पहले दिन 500, हाँ। ओके पहले 1000 दिन रहा है। कहे आगे फाइल कहानी काम करवा का। हाँ। वो दस्तखत नहीं कही रहे, वो नहीं कही रहे नहीं। हाँ। तो फिर हम कहा चलो दे दे। हाँ। दीना गैन तो 500 फिर दीना रहे, कहें कल हमको 2000 फिर देना। फिर 1500 की व्यवस्था बनी। फिर 1500 में मुँह बनावत रहें तो
तो हम कहा ठीक है, फिर जाके हम पैसा ला के दूसरी जगह से नहीं, इनके पास तो रहे नहीं, फिर हम कहें फिर 4,000 रुपया देना और कहें 1,000 और दे देना। 4,000 कहे बेरे दे वह कहें जाऊँ वह मिला था वह 30,000 जाऊँ नहीं मिला था हाँ। कहें वह 35,000 उसमें मिलेगा। मुरादाबाद में आज पीतल कारोबारियों के साथ कई सरकारी विभागों के अधिकारियों ने शहर में लगने वाले जाम से निपटने के लिए सर्वे किया। साथ ही अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द जाम से छुटकारा मिल जाएगा। बता दें कि पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद की जनता रोज जाम को झेल रही है। व्यापारी लगातार अधिकारियों से जाम से निजात दिलाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर अधिकारियों ने व्यापारियों संघ बैठक की और जाम की समस्या के हल का आश्वासन दिया। रूप से सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी विभाग मिलके पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, ट्रैफिक और यहाँ के जो उद्योगपति लोग हैं, तो जो इस चौराहे पे जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या है, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया है और जो भी यहाँ अच्छा हम कर सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक जाम ना लगे, उसके लिए कुछ बिंदु तैयार किए गए हैं, उन पर एक रिपोर्ट बना के डीएम महोदय के माध्यम से इसमें सुधार कराया जाएगा। इसमें यह देखा गया कि ट्रैफिक की जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और ट्रैफिक इजी गोइंग कैसे जा सकता है, इसके लिए यहाँ विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम और सीओ ट्रैफिक आए हुए हैं। इसमें हम ये लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ जो पुल चढ़ता है हमारा संबलपुर वाला, वहाँ रेलिंग वगैरह टूटी हुई है, तो कोई हादसा ना हो जाए, एक उसके लिए हमने अभी सर्वे किया है कि उसको कैसे सही करें। दूसरा ये जो चौराहा है, चौराहे को खूबसूरत बनाया जाए और इसमें इतना ही जगह छोड़ी जाए कि आने जाने में ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो, तो इसकी आज हम लोगों ने सर्वे किया है। सब डिपार्टमेंट आए हुए हैं, आज इसकी हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो रिपोर्ट होगी वो डीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मामला फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव का है, जहां कमलेश का मकान है। तभी रात में अज्ञात चोर उसके घर में घुस आए और घर को खंगालने लगे। मौके पर कमलेश की पुत्र वधु जाग गई, जिसके बाद विरोध करने पर बदमाशों ने महिला को रस्सी से बांध दिया और घर से 50,000 के नगद और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है। द्वार तमर कूद हो आदमी, फिर जब बहू सो रही तो बहू बाला कमरा खोल लिया है, तब वहां में तंदन तो चोरी करिए, चोरी करिए तो हमें 5 अंगूठी जनानी, 2 मर्दानी, 250 ग्राम की तोड़िया है, ब्रेज वाला है और कोई छोटी मोटी चीज वही कन्यादान फन्यादान की बाकी चीज है। मंगलसूत्र 50,000 रुपया कल निकाल के लाए। वहीं सुल्तानपुर में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सालों से जर्जर और सूखा पेड़ आज लखनऊ बलिया हाईवे पर गिर गया। आपको बता दें कि इस दौरान रास्ते से गुजर रही बुलेरो और ई रिक्शा समेत 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं, जिसके चलते इन गाड़ियों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को किसी तरह से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पेड़ गिरने से दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं सिद्धार्थनगर जनपद के मिठवल ब्लॉक के अंतर्गत थूम हवा बनकटा गांव के पास नदी के बांध का कटान बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार मिश्र लगातार अधिकारियों, विधायक और सांसद से गुहार लगा रहे हैं। उप जिलाधिकारी बांसी को उन्होंने एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने एक टीम गठित कर जांच करने का आदेश भी जारी कर दिया है। मेरे यहाँ ये नदी, राप्ती नदी थुमवा बनकटा गांव से सट करके एकदम बहती है, गांव और पीडब्ल्यूडी रोड की मुश्किल से 10 मीटर की दूरी है साहब, और यहाँ एक पीपल का पेड़ है गाँव से एकदम सटे हुए, जो कि परसों बारिश से यहाँ काफ़ी धसान हो रही है, बैठ रहा है जमीन, मिट्टी बैठ रहा है। सहारनपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं पदाधिकारियों ने युवाओं को पूरे जिले में घूमकर लोगों को जागरूक करने का भी आह्वान किया। आज अभी आपको जानकारी होगी, 75 साल हमारी आज़ादी को हुए, 75वीं वर्षगांठ पे भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा संयुक्त रूप से पूरे देश भर में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं।
जिसमें युवाओं को एकजुट करने के लिए हमारी यह तिरंगा मार्च है। आज मुझे यहाँ गृह जनपद सहारनपुर पे पहली और प्रथम आगमन पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत माता अपने भारत देश का तिरंगा। सहारनपुर में एक व्यक्ति का शव उसी के बाहर पड़ा मिला है। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। बता दें कि सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के रेलवे क्वार्टर में मोहन नाम के व्यक्ति का शव उसी के घर के बाहर पड़ा मिला। मृतक की पत्नी ने बताया कि वो शाम के समय ड्यूटी के लिए घर से निकले थे और जब उन्होंने सुबह अपने घर का दरवाजा खोला देखा तो मोहन मृत हालत में घर के बाहर पड़े मिले। पत्नी की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। थाना सदर बाजार के रेलवे क्वार्टर्स में एक मोहन नाम का व्यक्ति जो खलासी के पद पे काम करता था, उसकी डेड बॉडी उसके घर के सामने ही मिली है। गले पे चोट के निशान है। उसकी पत्नी का कहना है कि ये नाइट शिफ्ट में इनकी ड्यूटी चल रही थी, शाम को 6 बजे गए थे और सुबह 6 बजे इनको ड्यूटी से आना था। जब सुबह दरवाज़ा करीब 7 बजे खोला तो देखा दरवाजे के सामने इनकी डेड बॉडी है। इस संबंध में पंचनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। कुछ जानकारी, योगी सरकार सहारनपुर के देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोलने जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने 2000 वर्ग मीटर जमीन पहले से ही ATS को अलॉट कर दी है। बताया जा रहा है कि यहां पर ATS के करीब 15 तेज तर्रार अधिकारी कमांडो तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि तालिबान की बर्बरता बची यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार ATS अफसरों की यहां पर तैनाती की जाएगी। बता दें कि देवबंद से पहले लखनऊ और नोएडा में ATS का कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी इस वक्त चल रही है। वहीं रायबरेली के विकास भवन में उस समय हड़कंप मच गई जब सैकड़ों आंगनवाड़ी की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गईं और सरकार द्वारा किए गए वादों के कोरा साबित होने पर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की गई। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुछ महीने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के वेतन में बढ़ोतरी कर 1500 रुपये करने का वादा किया था, लेकिन यह आश्वासन सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गया। धरने पर बैठी आंगनवाड़ी महिलाओं ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है और अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने लोक सेवा संकल्प कल्याण पत्र में सन 2017 में एक आदेश जारी किया था कि हमारी जब मांगे हमारी जब सरकार आ जाएगी तो आपको न्यायोजित मानदेय दिया जाएगा 120 दिन के अंदर में, वो भी नहीं दिया। और उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सन 2018 में उन्होंने हमारी मानदेय 1500 रुपया बढ़ाया था, जो आज तक नहीं मिला, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग में ही रह गया, वो भी नहीं मिला। और हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं 62 दिन का धरना हम लोगों ने रखा, वो भी उन्होंने उसका भी हम लोगों का मानदेय 2 महीने का मानदेय उन्होंने काट लिया, वो भी नहीं दिया। और हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें 45 साल से कार्य कर रही थी उनका भी सेवा। फतेहपुर जनपद के खागा कोतवाली के नगर पंचायत के पास सामान की खरीदारी कर लौट रही कमला नगर निवासी पलक पांडे की ट्रैक्टर से टक्कर लगने से दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत ने नहर पटरी में भारी वाहन निकलने के कारण ग्रामीण बैंक और बाईपास हाईवे के समीप दोनों साइड में खंभे गड़वा दिए हैं, जिसको बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर वाले ने साइड से निकल रही लड़की को टक्कर मार दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही ट्रैक्टर के चालकों को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।